क्वेश्चन करेंगे इम्प्लॉय कॉस्ट पे, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑन इम्प्लॉय कॉस्ट। इसके बाद हम इसी से रिलेटेड एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे मूव कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इम्प्लॉय कॉस्ट का ही क्वेश्चन है, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑन इम्प्लॉय कॉस्ट। इसके बाद हम इसी से रिलेटेड एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे मूव कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इम्प्लॉय कॉस्ट का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कैलकुलेट द लेबर आवर रेट। अगेन एक घंटे का रेट आपको कैलकुलेट करना है ऑफ ए वर्कर एक्स, वर्कर का नाम है एक्स, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बेसिक पे करते हो आप 1000 पर मंथ, डीए पे करते हो 300 पर मंथ, फ्रिंज बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, 100 रुपी पर मंथ। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए ईयर 300 है, आवर्स इन ए डे 8, हॉलीडे अलाउड इन ए ईयर विद फुल पे 20 डेज। तो काफी सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा ही है। हमें तो स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट ही बनाना, स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट दो कॉलम में बनाएंगे, पर्टिकुलर सो अमाउंट। देखो इस क्वेश्चन में भी बेसिक तो 1000 पर मंथ ही है और नंबर ऑफ डेज आपको पर एनम गिवन है, तो कॉस्ट तो आप पर एनम ही कैलकुलेट करेंगे और बेसिक सैलरी भी सेम ही आएगी 1000 इंटू 12,000 रुपीज। हाँ डीए जो है वो 300 पर मंथ है तो डीए विल बी 3600। बेसिक और डीए के अलावा एक फ्रिंज बेनिफिट गिवन है, फ्रिंज बेनिफिट मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, 100 रुपी पर मंथ की फैसिलिटीज दी जाती है, मल्टीप्लाई बाय 12 इट विल बी 1200। बाकी तो एक्सपेंस ही नहीं है कोई, तो दैट विल बी टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट। इसका टोटल देखो दैट विल कम 16,800, 16,800 रुपए की कॉस्ट है। हमें कैलकुलेट करना है पर आवर की वेजेस, तो डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आवर्स से। 300 दिन है बट 20 डेज के हॉलिडे, तो वर्किंग विल बी 280 डेज फॉर 8 आवर्स। अगर आप 280 डेज 8 आवर्स के अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे तो दैट विल कम 2240 आवर्स, 2240 घंटे की वर्किंग बनेगी आपकी। तो पर आवर आपको इंप्लॉय कॉस्ट पता चल जाएगी, इंप्लॉय कॉस्ट 100 रुपए की कॉस्ट आएगी आपको 2240 आवर्स के लिए, तो 7.5 पर आवर विल बी इंप्लॉय कॉस्ट। तो ये इंप्लॉय जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे तो एक घंटे काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट होगी 7.5 पर आवर।
हाँ जी, अब देखो ध्यान से देखना, ये है इंप्लॉई कॉस्ट। इंप्लॉई कॉस्ट का मतलब क्या है, एक एम्प्लॉयर को एक एम्प्लॉई के काम करने के लिए क्या कॉस्ट इनकर हो रही है, एक एम्प्लॉयर को एक एम्प्लॉई के लिए क्या एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं, दैट इज द एम्प्लॉई कॉस्ट। लेकिन इश्यू ये है, क्या जो एम्प्लॉई कॉस्ट है एम्प्लॉयर के लिए, क्या वही एम्प्लॉई की अर्निंग भी होती है एम्प्लॉई के लिए? क्वेश्चन क्या अराइज हुआ कि जो एम्प्लॉई की कॉस्ट होती है एम्प्लॉयर के लिए, क्या वही एम्प्लॉई की अर्निंग भी होती है एम्प्लॉई के लिए? देखो मेनली तो अगर आप बात करें बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस एम्प्लॉयर को कॉस्ट आएगी, एम्प्लॉई को मिलेगा, डीए डीएनएस अलाउंस एम्प्लॉयर को कॉस्ट आएगी, एम्प्लॉई को मिलेगा, बोनस हो गया, ओवरटाइम हो गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर को कॉस्ट आएगी तो एम्प्लॉई को मिलेगी। लेकिन जो एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं पीएफ में, या एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई जो होते हैं, वो एक बार सोच के देखो, एम्प्लॉयर को तो कॉस्ट आएगी नो डाउट, लेकिन क्या वो एम्प्लॉई की अर्निंग भी है? क्या पीएफ ईएसआई एम्प्लॉई को मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, या पर एनम बेसिस पे मिल जाता है? नहीं, नहीं मिलता। पीएफ में जो फंड जमा होता है वो क्या पर एनम बेसिस पे मिल जाता है या पर मंथ बेसिस पे मिल जाता है? नहीं मिलता। उसके पीछे काफी सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बाद आपको प्रोविडेंट फंड से पैसा मिलता है 5 साल 10 साल के बाद। इसी तरीके से ईएसआई का मतलब क्या है, एम्प्लॉई का जो इंश्योरेंस करवाया गया था उसका प्रीमियम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई मिलके पे कर रहे हैं। अब अगर एम्प्लॉयर ने 500 रुपए 1000 रुपए का कोई प्रीमियम पे कर दिया उसमें, तो क्या वो एम्प्लॉई को मिल जाएगा? अगेन नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कॉस्ट है जो एम्प्लॉयर तो इनकर करता है लेकिन वो कॉस्ट अर्निंग नहीं बन पाती एम्प्लॉई के लिए, जिसकी वजह से एम्प्लॉई कॉस्ट और एम्प्लॉई अर्निंग में डिफरेंस है। एम्प्लॉई कॉस्ट उसको बोला जाता है जो एम्प्लॉयर कॉस्ट इनकर करता है एम्प्लॉई के लिए, लेकिन एम्प्लॉई अर्निंग का मतलब है एक एम्प्लॉई को मिला कितना एम्प्लॉयर से, दैट इज द एम्प्लॉई अर्निंग। तो एम्प्लॉई अर्निंग क्या है, दिस इज द अर्निंग रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉई फ्रॉम द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर से क्या मिला, दैट इज द एम्प्लॉई अर्निंग। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉई अर्निंग, कि एम्प्लॉई की अर्निंग क्या है। इसमें भी आप दो कॉलम कंसीडर कर सकते हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। देखो सबसे पहले तो हम वही ट्रांजेक्शन कंसीडर करते हैं जो कि एम्प्लॉई कॉस्ट में हमने लिए, लाइक बेसिक वेजेस हो गया, ऐड कर लेते हैं हम इसमें डीए, कोई बोनस हो गया, ओवरटाइम हो गया, लीव सैलरी हो गई, ये सारी चीजें आप कंसीडर कर सकते हो। बस क्या नहीं आएगा, एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन नहीं आएंगे पीएफ और ईएसआई के, लेकिन ये जो अर्निंग है एम्प्लॉई की ये भी ग्रॉस अर्निंग होती है। उसके पीछे रीजन है, अभी हम जब क्वेश्चन कर रहे थे तो सेकंड क्वेश्चन में वर्कर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ आया था, वर्कर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई आया था, और मैंने आपको कहा था कि वो तो एम्प्लॉई अपनी जेब में से पे करेगा,
जो उसको सैलरी मिलती है उसमें से वो पे करेगा। देखो अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि पहले एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सैलरी दे दे और फिर एम्प्लॉई जाकर उस सैलरी में से कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ अपना जमा कराए। नॉर्मली क्या पॉलिसी फॉलो की जाती है, पॉलिसी ये होती है कि एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉई की सैलरी में से उसका कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट कर लेता है और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी जेब में से निकाल के टोटल जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो पीएफ और ईएसआई में जमा करवा दिया जाता है। तो नॉर्मली ये जो अर्निंग है वो एम्प्लॉई को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इसमें से जो एम्प्लॉई के कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ और ईएसआई वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो नेट जो एम्प्लॉई की अर्निंग होती है वो केवल और केवल ये फिगर कहलाए। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन ने कॉस्ट पूछी है या अर्निंग पूछी है। अगर कॉस्ट पूछी है तो एम्प्लॉई कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है, अर्निंग पूछी है तो एम्प्लॉई अर्निंग स्टेटमेंट बनाना है। फर्क दोनों में जो मेन है वो इतना ही है कि एम्प्लॉई कॉस्ट में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ और ईएसआई टोटल कॉस्ट में ऐड होते हैं। जब यही आप अर्निंग में बात करोगे तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ और ईएसआई तो आने ही नहीं है, लेकिन ग्रॉस अर्निंग में से एम्प्लॉई के जो कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ और ईएसआई है वो डिडक्ट होने के बाद ही कहीं ना कहीं आप नेट अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉई तक पहुंच पाओगे। इसको कॉपी कर लो। एम्प्लॉई अर्निंग पे क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर देखो, क्वेश्चन नंबर फोर, एम्प्लॉई अर्निंग पे क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर देखो, क्वेश्चन नंबर फोर, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर ए मंथ। एक महीने की आपको मिस्टर ए और मिस्टर बी की अर्निंग कैलकुलेट करनी। बेसिक वेजेस है रुपी 100 और 160, डीएनएस अलाउंसेस है 50% और 50%। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो 50% ऑफ बेसिक। एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ ऑन बेसिक वेजेस 8% एंड 8%, और एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई ऑन बेसिक वेजेस 2% और 2%। तो एम्प्लॉईज के कॉन्ट्रीब्यूशन है
तो आपको नेट अर्निंग तक पहुंचने के लिए आप ग्रॉस अर्निंग में से इसको माइनस करना पड़ेगा। ओवरटाइम है 10 आवर्स जो केवल मिस्टर ए ने किया है। देखो ओवरटाइम क्या होता है, ओवरटाइम होता है नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड एक्स्ट्रा वर्किंग जब आप करते हो तो उसको ओवरटाइम बोला जाता है, और ओवरटाइम के लिए वर्कर को हमेशा एक्स्ट्रा पेमेंट मिलते हैं। तो द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200, एक महीने की जो नॉर्मल वर्किंग है वो है 200 आवर्स की। ओवरटाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीएनएस अलाउंसेस, जो बेसिक और डीए होता है नॉर्मल उसका डबल आपको ओवरटाइम में मिलता है। इसका मतलब क्या है, देखो बेसिक वेजेस है मिस्टर ए की 100 रुपीज की, तो डीए है 50%, तो 50 रुपीज डीए हो गया, तो बेसिक 100 डीए 50, टोटल हो गया 150 रुपीज। और आवर्स इन्होंने नॉर्मल कहे हैं 200 आवर्स, इसका मतलब 150 रुपीज की वेजेस है 200 आवर्स के लिए, तो 75 पैसा पर आवर नॉर्मल रेट है, लेकिन ओवर टाइम में डबल मिलेगा, तो 75 पैसे का डबल 1.5 पर आवर आपको नॉर्मली ओवर टाइम में मिलेगा। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड पीएफ इज एट इक्वल रेट विद एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन भी उतने ही हैं जितने एम्प्लॉय के हैं। लेकिन क्वेश्चन की पहली लाइन में आप अगर रिक्वायरमेंट देखोगे तो रिक्वायरमेंट है अर्निंग हमें कैलकुलेट करनी है, और जब आप अर्निंग कैलकुलेट करते हो तो एम्प्लॉयर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ और ईएसआई की कोई रेलेवेंसी नहीं होती। तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉई अर्निंग्स, स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉई अर्निंग्स। तीन कॉलम लेंगे हम, एक तो पर्टिकुलर्स, इसके अलावा दो वर्कर है मिस्टर ए और मिस्टर बी, तो दैट इज मिस्टर ए एंड दैट इज फॉर मिस्टर बी। सबसे पहले आप बेसिक कंसीडर करते हैं, बेसिक वेजेस है 100 रुपीज एंड 160, इसमें आप ऐड करेंगे डीए दैट इज 50%, तो 50 रुपीज एंड 80 रुपीज। इसके अलावा एक ओवरटाइम हो रहा है, तो इसका एडिशन तो मैं कर देता हूं 150 एंड 240। इसमें आपको ऐड करना है ओवरटाइम, ओवरटाइम किया है मिस्टर ए ने 10 आवर्स का, और ओवरटाइम के लिए डबल रेट मिलेगा ऑफ बेसिक एंड डीए। देखो 150 रुपीज की वेजेस है 200 आवर्स के लिए, दैट इज द नॉर्मल रेट 75 पैसा पर आवर, तो इसका डबल मिलेगा आपको 1.5 पर आवर, ओवरटाइम के आवर्स है 10, तो 15 रुपीज विल बी ओवरटाइम वेजेस। बी ने तो कोई ओवरटाइम किया नहीं है, तो दैट विल बी 165 एंड 240, लेकिन दैट इज द ग्रॉस अर्निंग, क्योंकि इसमें से जो एम्प्लॉई के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो डिडक्ट होंगे, वो तो एम्प्लॉई को मिलने तो है नहीं, तो दैट इज नॉट द अर्निंग फॉर द एम्प्लॉई। एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ और ईएसआई, पीएफ में एम्प्लॉई के कॉन्ट्रीब्यूशन है मिस्टर ए और बी के 8%, और वो भी बेसिक वेजेस का 100 का 8% 8 रुपए, और मिस्टर बी की वेजेस है 160, तो 160 का 8% कितना आएगा 12.8। ईएसआई में है 2% ऑफ 100 That will be 2 rupees, और 160 का 2% 3.2, that will be the net earning of the employee।
Mr. A and Mr. B. Net earning ये कैलकुलेट करके देखो, that will come 155 for Mr. A, 224 of Mr. B. तो employee cost और employee earning में फर्क है. employee की earning है यहाँ पे 155 for Mr. A and 224 for Mr. B. हाँ जी, दो कॉन्सेप्ट देख लिया आपने. एक तो एम्प्लॉई कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें और एक एम्प्लॉई अर्निंग कैसे कैलकुलेट करें. अब दोनों पे एक मिक्स क्वेश्चन करके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखो. क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर ए मंथ. सबसे पहले तो आपको ए और बी की अर्निंग कैलकुलेट करनी एंड उसके बाद एलोकेट द लेबर कॉस्ट. अंडरलाइन कर सकते हो आप लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब एक्स वाई एंड जेड. पहले तो आपको ए और बी की अर्निंग कैलकुलेट करनी है और डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी, डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त लेबर कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करनी है. इसका मतलब अर्निंग भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेबर कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और जो कॉस्ट आएगी उसको जॉब एक्स वाई और जेड में एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. क्वेश्चन का डेटा सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4 है. ए और बी बेसिक वेजेस है 100 और 160, डीएनएस अलाउंस है ऑन बेसिक वेजेस 50%, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ ऑन बेसिक वेजेस प्लस डीए 10% और कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई ऑन बेसिक वेजेस प्लस डीए 1.75%. अभी तो क्लियर नहीं है कि ये कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई एम्प्लॉयर के हैं या एम्प्लॉई के हैं, अभी नहीं पता. ओवरटाइम किया है ए ने 10 आवर्स का. द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200 घंटे की नॉर्मल वर्किंग है. Overtime is paid at double the rate of total of normal wages and DNS allowance. Basic और DA का double आपको मिलेगा overtime में. Employer's contribution to state insurance is 4.75% and PF are at equal rate of employee's contribution. एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन है वो ईएसआई में है 4.75% और पीएफ का उतना ही जितना एम्प्लॉई का. इसका मतलब ऊपर जो कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और ईएसआई गिवन है वो एम्प्लॉईज के हैं क्योंकि नीचे आपके पास एम्प्लॉयर के अलग से गिवन है. द टू वर्कर्स वर एम्प्लॉयड ऑन जॉब्स एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस. ये जो दो वर्कर हैं ए और बी वो
तीन जॉब में एंगेज हैं एक्स वाई और जेड में। वर्कर ए अपने टाइम का 40% एक्स में, 30% वाई में और 30% जेड में लगाते हैं, और वर्कर बी अपने टाइम का एक्स में 50%, वाई में 20% और जेड में 30% लगाते हैं। और जो ओवर टाइम किया था मिस्टर ए ने 10 आवर्स का वॉज डन ऑन जॉब वाई, वो ओवर टाइम केवल और केवल जॉब वाई पे हुआ है। हमें तीन चीजें कैलकुलेट करके देनी है, चीजें दो कैलकुलेट करनी है लेकिन कैलकुलेशन तीन है, एक तो अर्निंग, एक लेबर कॉस्ट, और उसके बाद उस लेबर कॉस्ट का तीन जॉब एक्स वाई जेड में एलोकेशन। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, आंसर नंबर 5, सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स। अर्निंग्स आप तीन कॉलम कंसीडर करेंगे, पर्टिकुलर्स, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। सिमिलर कैलकुलेशन होगी जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने की है अभी। सबसे पहले बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस अमाउंट भी सेम है बेसिक वेजेस की 100 एंड 160। आप इसमें ऐड करेंगे डीए, डीएनएस अलाउंस, दैट इज 50% ऑफ बेसिक वेजेस 50 एंड 80, सेम फिगर है। इसके अलावा मिस्टर ए ने ओवरटाइम किया है 10 आवर्स का, तो पहले मैं इसका टोटल कर लेता हूं, दैट विल कम 150 एंड 240। मिस्टर ए ने ओवरटाइम किया है 10 आवर्स का, 150 रुपीस की ये जो वेजेस है, आपके नॉर्मल वर्किंग आवर्स है 200 आवर्स, इसका मतलब पर आवर का रेट आपका 75 पैसा, आपको डबल मिलेगा ओवरटाइम में, 1.5 मिलेगा 10 आवर्स के लिए, तो 15 रुपीस। ये तो कैलकुलेशन बिल्कुल सेम हो गई आपकी जो क्वेश्चन नंबर 4 की थी, 165 और 240 फिगर्स भी सेम कैलकुलेट होके आ रही है। ये है आपकी ग्रॉस अर्निंग। ग्रॉस इसलिए क्योंकि इसमें से जो एम्प्लॉई के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, वो माइनस करेंगे हम, एक पीएफ और दूसरा ईएसआई। एम्प्लॉई के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पीएफ और ईएसआई के, वो है 10% और 1.75%। किसका? बेसिक प्लस डीए का। बेसिक प्लस डीए है 150, तो 150 का 10%, 15 रुपीज फॉर ए, और 240 का 10%, 24 का डिडक्शन हो जाएगा बी के लिए। ईएसआई है 1.75%, 150 का 1.75%, और बी के लिए 240 का 1.75%। कैलकुलेशन करके देखो, 150 का 1.75%, That will come 2.625, और B का 240 का 1.75%, That will be 4.2. तो ये आपका नेट अर्निंग्स कैलकुलेट होके आएगी। और बी का 240 माइनस 24 माइनस 4.2, दैट विल बी 186।
गलत हो गया. That will be 211.8. That will be the net earnings of A and B. Similar calculation है जो question number 4 में आपने की है. ये तो हो गई earning. Then question ने कहा allocate the labor cost. Labor की cost को allocate करो job X, Y और Z में. देखो allocate तो तब करें जब हमें पहले ये पता हो कि labor की cost है कितनी. उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट, दैट इज आल्सो नोन एज एम्प्लॉय कॉस्ट. स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, ये भी तीन कॉलम में चलेगा, पर्टिकुलर्स और दो वर्कर मिस्टर ए और मिस्टर बी. देखो एम्प्लॉय कॉस्ट में आप बेसिक वेजेस कंसीडर करते हैं, सेम आएगी रुपी 100 और 160. डीए भी आप ऐड करते हैं, सेम आएगा आपका 50 और 80. इसके बाद ओवर टाइम एक बार छोड़ देते हैं, अभी कंसीडर कर लेंगे. इसके बाद एम्प्लॉई कॉस्ट अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो आएंगे, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ और ईएसआई. देखो एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन के लिए क्वेश्चन ने कहा है कि पीएफ तो इक्वल रेट पे है जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था, तो पीएफ की फिगर तो सेम आएगी. सो यहां पे आपने एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन लिखे हैं 15 और 24, लेकिन ईएसआई में फिगर वेरी करेगी क्योंकि ईएसआई में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, 4.75% है. 150 का 4.75% और यहां पे 240 का 4.75%. 150 का 4.75% दैट विल बी 7.125 और 240 का 4.75% दैट विल बी 11.4. That will be employer's contribution to PF or ESI. अगर मैं overtime के बिना employee cost निकालूं, तो ये है employee cost excluding overtime. इसमें अभी मैंने overtime consider नहीं किया. Overtime को consider किए बिना इसका total आ रहा है 172.125 और ये total बन रहा है आपका 275.4. अब इसमें ओवरटाइम जो छोड़ा था वो कंसीडर कर लेते हैं. ओवरटाइम है केवल मिस्टर ए के लिए 15 रुपए का, मिस्टर बी का तो नहीं है, तो दैट विल बी द टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट. ये आपकी लेबर कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट आ गई टोटेलिटी में 187.125 एंड 275.4. ये एम्प्लॉय कॉस्ट आ गई. पर क्वेश्चन चाहता है कि हम इस एम्प्लॉय कॉस्ट को जॉब एक्स वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दें. और क्वेश्चन ने कहा है वर्कर ए ने 40% 30% और 30% टाइम दिया है और बी ने 50% 20% और 30% प्रोपोर्शन टाइम दिया है. तो हम बनाएंगे थर्ड पॉइंट में एलोकेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट को हमें एलोकेट करना है. इसके लिए आप सिंपल कॉलम ले सकते हो, एक तो पर्टिकुलर्स का और तीन जॉब है एक्स वाई और जेड जिसमें आपको एम्प्लॉय कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करनी है. वर्कर है ए और बी. देखो वर्कर ए ने कॉस्ट है 187.125, 40% टाइम दिया है एक्स में, तो 187.125 का 40% एक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 30% वाई में, 187.125 का 30% वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा.
और बचा हुआ 30% जेड में आ जाएगा 187.125 का बैलेंस 30% जेड में आ जाए। इसी तरीके से जो वर्कर बी है वेजेस है इनकी 275.4 इसका 50% एक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका 20% 275.4 का 20% वाई में डिस्ट्रीब्यूट करना है और बचा हुआ 30% 275.4 का 30% आपको जेड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन यहां पे ए का जो डिस्ट्रीब्यूशन है देखो 187.125 का डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं कर सकते, हमें डिस्ट्रीब्यूशन करने पड़ेगा एक्सक्लूडिंग ओवरटाइम का। ये यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करो, दैट विल बी 172.125 का, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है जो ओवरटाइम हुआ है वो ओवरटाइम केवल और केवल वाई के लिए हुआ है, तो आप उसको एक्स और जेड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। तो यहां पे एक्सक्लूडिंग ओवरटाइम जो वेजेस है केवल वही डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूशन करो 172.125 का 40% दैट विल कम 68.85 172.125 का 30% 51. राउंड ऑफ कर दो तो 64 और यहां पे भी 51.64। बी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है 275.4 का 50% 137.7 275.4 का 20% 55.08 और जो बैलेंस बच गया वो 30% 275.4 का 30% 82.62। जो ओवरटाइम है जो मिस्टर ए ने किया है केवल और केवल जॉब वाई पे किया था, तो ये 15 रुपए की जो कॉस्ट है वो केवल और केवल वाई में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक्स और जेड में नहीं होगी। इसी वजह से मैंने यहां पे ओवरटाइम की जो कॉस्ट है वो अलग से कंसीडर करी थी और उसके ऊपर एम्प्लॉय कॉस्ट एक्सक्लूडिंग ओवरटाइम कंसीडर किया था। इसका टोटल आप कर सकते हो, दैट विल बी एलोकेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, दैट विल कम 68.85 प्लस 137.7 टोटल हो गया आपका 206.55 वाई में 51.64 प्लस 55.08 प्लस ओवरटाइम 15 रुपीज 121.72 और जेड में 51.64 प्लस 82.62 दैट विल कम 134.26। तो इस तरीके से हमें पहले तो अर्निंग कैलकुलेट करनी है जिसमें एम्प्लॉई की कॉन्ट्रीब्यूशन हम डिडक्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन लेने नहीं है। एम्प्लॉई कॉस्ट में एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन लेने हैं, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन की कोई रिलेवेंसी नहीं है। ओवरटाइम केवल और केवल वाई के लिए हुआ है, इस वजह से मैंने पहले से ही ओवरटाइम को अलग रख लिया। एक्सक्लूडिंग ओवरटाइम को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओवरटाइम केवल और केवल वाई में और बी में कोई ओवरटाइम था नहीं, तो आप टोटल वेजेस को प्रोपोर्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको एम्प्लॉई अर्निंग और एम्प्लॉई कॉस्ट में डिफरेंस याद रखते हुए चलता है।